किसानों को लेकर ये बार बार कहा गया कि किसान सरकार से बहुत नाराज हैं, किसानों की नाराजगी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में हो रहा है या फिर वहां पर दिखाई देगा। अब किसान किसके साथ हैं, लोकसभा के चुनाव में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसान जो रूठे हुए थे उनको मना लिया है आपकी सरकार ने, किसके साथ हैं किसान? देखिए, देश का अन्नदाता और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से कृषि पर आधारित है, यदि किसान नाराज होता तो 14, 17, 19, 22 ये सरकार नहीं बन पाती। किसानों के सहयोग से ही और सभी वर्गों के सहयोग से ही सरकार बनी है। कोई नाराजगी नहीं है किसानों में? मैंने कहा ना कि किसान सरकार की प्राथमिकता पर है और किसानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। केपी मलिक जी, किसानों को लेकर आपको क्या लगता है, किसान सरकार के साथ है मजबूती के साथ? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि किसानों के जो मुद्दे थे या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार ने किया था 2022 तक, वो वादा विपक्ष ये कहती है कि वो वादा आप लोगों ने पूरा नहीं किया और किसान इस बार भी चुनाव में आपसे नाराज रहने वाले हैं। आपकी जानकारी में होगा, अब जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अगर एक घंटा बोलते हैं तो 20 मिनट किसानों के प्रति और हमदर्दी में बोलते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो वो किसानों से भी वार्ता करते हैं, वो जवानों से भी वार्ता करते हैं, वो आमजन से भी वार्ता करते हैं, वो बहनों से भी पूछते हैं कि बहन आपको राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपको गैस का सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये हमारी आदत में शामिल है। और रही किसान की, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी प्रेरणा से हम राजनीति कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार बनी है। इनकी कई समस्याएं जायज भी हैं और जब जब इनकी समस्या उठी तब तब हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया और उसको समाधान करने का काम किया। सोमेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की बाध्यता है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का जो नारा आप लोग दे रहे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रहा है कि सभी वर्गों का साथ आपको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, चाहे जनधन योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, गरीबों के आवास की बात हो। मैंने कहा किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया गया, हम सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सोमेंद्र तोमर जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और केपी मलिक जी बहुत शुक्रिया सर, सभी सवालों के जवाब आप लोगों ने दिए और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आगामी चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।